नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का। ठीक है, सेक्शन 14 से शुरू करते हैं हम लोग। सेक्शन 14 क्या बात करता है कि हेडिंग अगर आप पढ़ लेंगे बैरेट की, तो वो बोलता है कि जो अब प्रॉपर्टी मिलेगी, जो डॉटर को जो प्रॉपर्टी दी जाएगी, अब वो उसकी एब्सोल्यूट राइट रहेगा। उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी माने, अब होता क्या था 1956 में ये अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट बना था। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी डॉटर को, वुमेन को कोई भी प्रॉपर्टी मिलती थी तो उसके पास उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं होता था। एब्सोल्यूट राइट माने कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज नहीं कर पाती थी, वो किसी को दे नहीं सकती थी, बस वो अपने पास रख सकती थी। ये इसके उसके वुमेन के पास, डॉटर के पास कोई राइट ही नहीं होता था। तो ये 1956 के एक्ट आने के बाद क्या कर दिया है कि अब डॉटर को, वुमेन को पूरी तरीके से एब्सोल्यूट राइट दिया गया है प्रॉपर्टी का। मतलब अब वो उसकी कंप्लीट ओनर रहेगी, वो जिसको चाहे वो उसके कैसे भी वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती है अपना समझ के पूरी तरह। फिर 2005 में तो उसको को पार्टनरी बना दिया गया था डॉटर को, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट के बारे में बात करता है सेक्शन 14 हमारा। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। अगर सेक्शन 14 के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर एक्सप्लेनेशन ही देखते हैं तो साफ साफ बताया गया कि प्रॉपर्टी मतलब क्या। प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल भी हो सकती, इमूवेबल भी हो सकती है। और प्रॉपर्टी मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसने खुद ही एक्वायर करी हुई, गिफ्ट मिली हुई, इनहेरिटेड, मतलब कैसी भी प्रॉपर्टी उसने खुद कमाई हो या फिर सौदा किया हो किसी भी चीज़ का अपने स्किल से, उसने कैसे भी प्रॉपर्टी हो उसके नाम पे अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो उसकी कंप्लीट ओनर रहेगी। प्रॉपर्टी कैसे भी मिल सकती है, प्रॉपर्टी का कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, नहीं। प्रॉपर्टी कैसे भी मिल सकती है और मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। ठीक है, ये था हमारा सब क्लॉज 1, सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1। ठीक है, अब सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, सब क्लॉज 1 को थोड़ा रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। कैसे रेस्ट्रिक्ट करता है सब क्लॉज 1 क्या बोलता है सब सेक्शन 14 का, कि यार जो अब कंप्लीट ओनर रहेगी डॉटर, कंप्लीट ओनर रहेगी प्रॉपर्टी की। लेकिन सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा कोर्ट का ऑर्डर निकला है या किसी ने भी जो प्रॉपर्टी अगर डॉटर को गिफ्ट करी है, वो प्रॉपर्टी या कोर्ट के ऑर्डर में अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट लगा दी उस प्रॉपर्टी, मतलब आप इंजॉय करो आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन 10 साल तक टाइम लिमिट लगा दी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब कुल मिला के जो उसकी राइट है इंजॉय करने का प्रॉपर्टी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंप्लीट ओनर नहीं बनाया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये गलत नहीं माना जाएगा। सब क्लॉज 1 में ज़रूर दिया है कि वो कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट रहेगा प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, ऐसा लिख देते हो कि आप को टाइम लिमिट लगा देते हो प्रॉपर्टी के ऊपर और जो आप दे रहे हो, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। ये बोलता है सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि आपके पास एब्सोल्यूट राइट है। और सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया प्रॉपर्टी का, टाइम लिमिट लगा दी, तो वो भी चलेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। या तो आप कंप्लीट राइट दे दो या फिर आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो वो कंप्लीट ओनर बन जाएगी डॉटर प्रॉपर्टी की। ये बोलता था हमारा सेक्शन 14। अब देखते हैं हम लोग हमारा सेक्शन 15, जो कि बात करता है कि अगर कोई फीमेल हिंदू इंटरस्टेट डाई मरती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, उसके जनरल रूल क्या रहेंगे। हमने पहले तो एक मेल हिंदू के देखे थे कि मेल अगर इंटरस्टेट डाई होता है, अगर मेल इंटरस्टेट मरता है, बिना विल बनाए मरता है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की जाएगी, उसके जनरल रूल देखे थे। अब सेक्शन 15 फीमेल हिंदू के बारे में बात करता है कि अगर कोई फीमेल इंटरस्टेट मरती है तो उसकी जनरल रूल क्या रहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अब इसका ए, इसमें सब क्लॉज 1 है, सबसे पहले तो उसका ए क्या बोलता है
कि सन, डॉटर और हस्बैंड, सन, डॉटर और हस्बैंड, और साथ में एक और उसने बोला है कि चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन और डॉटर। जो मतलब मान लो एक फीमेल हिंदू है, वो मर गई है, तो उसकी प्रॉपर्टी किस में बटेगी? या तो उसका जो सन है, डॉटर है, हस्बैंड है, और अगर कोई मरा हुआ सन है उसका, जो फीमेल हिंदू है उसका कोई मरा हुआ सन या डॉटर है और उनके जो बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको मिलेगी, इक्वली मिलेगी सबको, इक्वली सन, डॉटर और हस्बैंड को इक्वली प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर कोई मरा हुए सन का बेटे, बेटी वगैरह, उनके भी बच्चे, मतलब उस फीमेल हिंदू का जो मरे हुआ सन या मरी हुई डॉटर है और उनके भी बच्चे हैं, तो उन सबको, सन, डॉटर और जो प्रीडिसीज्ड सन के चिल्ड्रन और हस्बैंड, सबको प्रॉपर्टी इक्वली मिलेगी। ठीक है, ये बोलता है ए। अब बी वाला किन के बारे में बात करता है कि हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, जो हस्बैंड के हेयर्स हैं, बी वाला क्या बोलता है कि हस्बैंड के हेयर्स को मिलेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी वाला क्या बात करता है कि मदर और फादर, मदर एंड फादर, मदर एंड फादर किसके, जो फीमेल हिंदू मरी है उसके, मदर एंड फादर। ठीक है, डी वाला क्या बात करता है, हेयर्स ऑफ द फादर, हस्बैंड नहीं, हस्बैंड तो सेकंड में ही कर लिया, हेयर्स ऑफ द फादर, जो फीमेल हिंदू मरी है उसके फादर के हेयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फादर के हेयर्स। अब ई वाला क्या बोलता है कि हेयर्स ऑफ द मदर, हेयर्स ऑफ द मदर, हेयर्स ऑफ द मदर, इन सबको नहीं मिलेगी। जैसे क्लास वन हेयर्स में क्या सबको एक एक करके मिलती थी, लेकिन सबको नहीं मिलेगी इसमें, इसमें क्लास टू हेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहले मिल गया हमको कि सन और डॉटर और हस्बैंड, हाँ ये जिंदा हैं, तो इनको प्रॉपर्टी दी जाएगी, लेकिन इनको इक्वली दी जाएगी, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो सबसे ऊपर मिल गया, मान लो ए वाले जिंदा हैं तो ए वालों को मिल जाएगी, ए वाले जिंदा नहीं है, एक भी जिंदा नहीं है ए वाला, तो बी वालों को मिल जाएगी, बी वाले जिंदा नहीं है, सी जिंदा है तो सी को मिल जाएगी। लेकिन सी में मान लो अगर दो लोग हैं, मदर एंड फादर, तो दोनों को इक्वल मिलेगी। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि सब क्लॉज वन क्या जनरल रूल बताता है, कि अगर फीमेल हिंदू डाई मरती है तो इंटरेस्टेड, तो फीमेल हिंदू की जो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की जाएगी, सबसे पहले या तो उसके सन या डॉटर या हस्बैंड या कोई प्रीडिसीज्ड सन के जो चिल्ड्रन है लिविंग, उन सब में आपस में बढ़ जाएगी। ए बी वाला क्या बोलता है, हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के हेयर्स। सी वाला क्या बात करता है, मदर एंड फादर, फीमेल हिंदू के मदर एंड फादर। डी वाला क्या बात करता है, हेयर्स ऑफ द फादर, हेयर्स ऑफ द फादर, जो फीमेल हिंदू है उसके फादर। और ई वाला क्या बात करता है, हेयर्स ऑफ द मदर। ठीक है, जो सबसे पहले मिल जाएगा हमको कि ये जिंदा है, चलो सन और डॉटर हैं तो इनको सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर ए में कोई जिंदा नहीं है तो बी को मिल जाएगी, बी में कोई जिंदा नहीं तो सी को मिल जाएगी, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब सब क्लॉज टू पे आते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि सब क्लॉज वन को ही रोकता है। कैसे रोकता है, कि मान लो एक फीमेल हिंदू है, फीमेल हिंदू इंटरेस्टेड बन गई, मतलब बिना विल बनाए वो मर गई, अब उसकी प्रॉपर्टी है, और उसकी प्रॉपर्टी उसको कहाँ से मिली थी, जो थी उसने सेल्फ एक्वायर्ड नहीं थी, जो उसके जो फादर और मदर हैं, फादर या मदर, उससे इनहेरिटेड हुई है उस फीमेल हिंदू को प्रॉपर्टी। ठीक है, जो उसके फादर और मदर हैं वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे के मर गए, और अब ये जो फीमेल हिंदू है ये भी मर गई, तो ये इस जो प्रॉपर्टी है, जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है, ये किसको मिलेगी, ये क्या इसके हिसाब से मिलेगी, क्या इसके हिसाब से नहीं, या तो सन और डॉटर को मिलेगी, और अगर सन और डॉटर जिंदा नहीं है तो हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा। ये समझने वाली बात है, सन और डॉटर जिंदा नहीं है तो हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा, जो वो प्रॉपर्टी है वो अपने उसके फादर के हेयर्स को मिल जाएगी, हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा, जो वो प्रॉपर्टी है वो फादर के हेयर्स को चली जाएगी, जो जो फीमेल हिंदू के जो फादर की प्रॉपर्टी है वो फादर के हेयर्स को वापस चली जाएगी। ये हमको फिर ये जो रूल है इससे कुछ नहीं लेना देना, अगर उसके जो फादर की प्रॉपर्टी है वो, तो उसके फादर के हेयर्स को ही वापस चली जाएगी, हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा।
ये बोलता था सब क्लॉज टू का ए। अब बी वाला क्या बोलता है कि अगर कोई फीमेल हिंदू है और कोई प्रॉपर्टी उस फीमेल हिंदू को मिली है किससे, या तो उसके हस्बैंड से या उसके ससुर से, फादर इन लॉ या हस्बैंड से अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है उस फीमेल हिंदू को, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो वो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के हेयर्स को चली जाएगी। आई बात समझ में? अगर कोई प्रॉपर्टी फादर इन लॉ या हस्बैंड की तरफ से उसको मिली है, ठीक है, तो उसके मरने के बाद जो वो प्रॉपर्टी होगी वो उसके हस्बैंड के हेयर को चली जाएगी, हस्बैंड के वारिस को चली जाएगी। ये बोलता था बी वाला पॉइंट। और ये था हमारा जनरल रूल यानी कि सेक्शन 15। तो हम ख़त्म कर चुके हैं सेक्शन 14 और 15 यानी कि फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड होगी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, और फीमेल को एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया है 1956 से, क्योंकि ये ज़रूरी था, इक्वलिटी के लिए भी ज़रूरी था, कोपासनरी बना दिया अब तो 2005 में। तो ये ख़त्म होता है हमारा सेक्शन 14 और 15। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।